एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेल्टा फिजिक्स पर वीडियो नंबर 6। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जिसको हम कहते हैं जूल हीटिंग इफेक्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, कि हम हीटिंग इफेक्ट को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ये आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की लास्ट थियरीज है। उसके बाद एक वीडियो और है जिसमें हम न्यूमेरिकल्स के बारे में देखेंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपका चैप्टर थियोरेटिकली ओवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर में से आप इलेक्ट्रिक को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, हम बात करते हैं 9th में हमने जो पावर पढ़ रखा था। 9th में हमारे पास पावर का एक फॉर्मूला था, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। बट ये फॉर्मूला 10th में इतना यूजफुल नहीं है। 10th में हमें पावर के ये तीन फॉर्मूले मोस्टली यूज करने हैं, पावर इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब आइए देखते हैं इन तीनों फॉर्मूलों को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम है, यानी हम लोग लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पर सेकंड इक्वेशन देखिए, वी इज इक्वल टू आपने डब्ल्यू अपॉन क्यू अभी पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस की वीडियो में। तो यहाँ पर जो वर्क है वो वर्क हो जाएगा वोल्टेज इनटू चार्ज। अब ये हो गई इक्वेशन टू। अब देखिए ये भी वर्क के इक्वल है, ये भी वर्क के इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, यानी इक्वेशन वन एंड टू से हो सकता है पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू इलेक्ट्रिक चार्ज। अब नेक्स्ट देखिए, हमें पावर का फॉर्मूला फाइंड करना है, तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा वी इंटू क्यू अपॉन टी। हम जानते हैं आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। देन यहाँ पर हम क्यू बाई टी को रिमूव करके लिख सकते हैं वी आई। तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, पी इज इक्वल टू वी आई, फर्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए आप, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर प्रूफ करना है, यानी वोल्टेज को यहाँ से हटाना है। हमें पता है V इज इक्वल टू होता है आई आर, यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, V की जगह लिखिए आई आर एंड I, तो ये हो जाएगा आई आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर एंड R। ये हो गया सेकेंड फार्मूला। अब थर्ड फार्मूला देखिए, थर्ड फार्मूला प्रूफ करना है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R। अगेन आप ये जो अपने प्रूफ किया इसी को यूज करिए, P इज इक्वल टू वी आई। अब यहाँ से हो सकता है I इज इक्वल टू वी बाई आर, अब यहाँ पर I की जगह आप पुट कर दीजिए V बाई आर, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो ये 1, 2 एंड 3, ये जो तीनों फॉर्मूले लिखे हैं आपको इस 10th में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में आपको यही फार्मूले यूज़ करने हैं। और एक ये फार्मूला भी जब हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए ये फार्मूला यूज़ होगा। तो ये तीनों फार्मूले मोस्टली आपके 10th में यूज होने वाले हैं। अब आगे हम देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स और यूनिट्स के बारे में। बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर के यूनिट्स की, तो इलेक्ट्रिक पावर के यूनिट के पहले फार्मूला देखिए, पावर इज इक्वल टू है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम के फॉर्मूले से आप इसका यूनिट फाइंड कर सकते हैं। वर्क का यूनिट है जूल एंड टाइम का यूनिट है सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड, और उसी को हम कहते हैं वॉट। यानी पावर का यूनिट आपसे कोई पूछे तो ऐसा यूनिट है, ये दोनों ऐसा यूनिट्स क्या है, वॉट है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, सॉरी इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी की देखिए क्या है, अभी हमने जो फॉर्मूला देखा पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क इज इक्वल टू हो सकता है पावर इनटू टाइम। अब देखिए पावर क्या है, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस लेते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस के ऊपर हमेशा उसकी रेटिंग दी रहती है, पावर रेटिंग कितनी होती है। अगर आप इलेक्ट्रिक बल्ब लेंगे तो 40 वॉट टू 50 वॉट होता है, बहुत से बल्ब होते हैं। एक फैन की रेटिंग होती है 100 वॉट के आसपास, रेफ्रिजरेटर की उससे भी ज़्यादा, वॉशिंग मशीन की सबसे ज़्यादा होती है, एसी की भी रेटिंग काफ़ी हाई होती है, यानी फ़ैन की नॉर्मल 100 वॉट के आसपास होती है। आप रेफ्रिजरेटर में देखेंगे तो 1000 वॉट तक जाता है। तो ये सब पावर रेटिंग है, इसी पावर रेटिंग की वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो ज़्यादा आ सकता है। जितनी ज़्यादा ये वॉट की रेटिंग होगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, अगर आप उसको लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे। तो देखिए अब हम इसके कॉमर्शियल यूनिट की बात करें, तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ऐसा यूनिट्स में नहीं आता है। अब W इज इक्वल टू है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमने 9th में पढ़ रखा है कि जो वर्क लॉस होता है वही एनर्जी बनता है, यानी यहाँ पर वर्क और एनर्जी सिमिलर ही है। अब जो फैन चल रहा है उसके बाद जो बल्ब ग्लो हो रहा है वो सब एक तरह का वर्क कर रहे हैं, यानी इस वर्क के लिए वेस्ट कौन सी एनर्जी हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ के वर्क को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फाइंड हीट एनर्जी, फाइंड वर्क, तो हमेशा फॉर्मूला यूज करना है W इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम।
अब हमारे पास यहाँ पे जो कॉमर्शियल यूनिट है इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो है किलो वॉट आवर। अब यहाँ पर देखिए किलो वॉट आवर कहीं से भी ऐसा यूनिट नहीं है, क्योंकि ऐसा यूनिट हमने देखा था अभी कि ऐसा यूनिट होता है वॉट, और टाइम का यूनिट हमेशा होगा ऐसा यूनिट सेकेंड। तो अब ये किलो वॉट आवर एक कॉमर्शियल यूनिट है, हमारी डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है जिसको हम यूनिट कहते हैं, उस यूनिट को ही हम किलो वॉट आवर कहेंगे। अब हम इस किलो वॉट आवर में, किलो वॉट आवर देखिए वर्क का यूनिट जूल है, और यहाँ पर किलो वॉट आवर भी है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कॉमर्शियल यूनिट, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, वैसे ही यहाँ कॉमर्शियल यूनिट में और ऐसा यूनिट में हमें रिलेशन फाइंड कर रहा है। तो देखिए 1 किलो वॉट आवर को हमें चेंज करना पड़ेगा वॉट में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 वॉट, और 1 आवर को चेंज करना पड़ेगा सेकेंड्स में, तो इतने सेकेंड्स हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा वॉट एंड सेकेंड्स में, और वॉट एंड सेकेंड्स को हम कह सकते हैं जूल, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू पावर इन टू टाइम, तो पावर का यूनिट है वॉट एंड यहाँ पर टाइम का यूनिट है सेकेंड, यानी ये भी बन जाएगा जूल। तो इतना जूल हो गया, तो 1 किलो वॉट आवर में इतना जूल है। अब फाइंड हम चेंज करते हैं, तो हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल, यानी 1 किलो वॉट आवर जो एक कॉमर्शियल यूनिट है उसके अंदर जूल होता है 3.6 × 10⁶ जूल। आपको ये याद रखना है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का लाइट बिल आता है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो भी किलो वॉट आवर यानी यूनिट के हिसाब से फाइंड करते हैं। अब हम देखते हैं कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। A fan of 100 watt and 5 lamps of 20 watt operates 5 hours and 10 hours respectively for a month of 30 days. Find the cost of electrical energy at the rate of 5 rupees per kilowatt hour. यानी जो यूनिट का प्राइस है वो दे रखा है 5 रुपीज़ पर किलोवाट आवर, और हमें मंथली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो फाइंड करना है 30 डेज के लिए, 30 डेज का जो मंथ है। और एक फैन है, फैन हम लोग ले लेते हैं PF ले लेते हैं, पावर ऑफ फैन दे रखा है हमें 100 वाट, और जो टाइमिंग है फैन का रन करने का वो टाइमिंग दे रखा है, टाइमिंग ऑफ फैन हम ले लेते हैं 5 आवर्स। नेक्स्ट देखिए 5 लैम्प्स हैं, लैम्प्स टोटल कितने हैं 5 हैं, तो 5 लैम्प्स का पावर मिला के हो जाएगा, लैम्प को हम PL मान लेते हैं, 5 × 20 वॉट, क्योंकि 20 वॉट एक का है तो पांचों का मिला के हो जाएगा 5, तो 5 × 20 वॉट हमारे पास आ गया 100 वॉट, और टाइम फॉर लैम्प कितना है पर्टिकुलर सबके लिए तो है 10 आवर्स। नेक्स्ट देखिए, अब दोनों का पावर मिल गया, दोनों का टाइम मिल गया, अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो पहले हम एक डे की फाइंड करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी W इज इक्वल टू है पावर इंटू टाइम, पर हमारे पास यहाँ पे 2 क्वांटिटी है, फैन है और लैम्प दोनों है, तो हम लोग पहले फैन का फाइंड करते हैं प्लस उसमें लैम्प का कर देंगे, तो लैम्प का भी हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ देखिए पावर ऑफ फैन हो जाएगा 100 वॉट एंड टाइम ऑफ फैन है 5, देन यहाँ पर है पावर ऑफ लैम्प इज 100, देन अगेन टाइम ऑफ 10। अब देखिए ये हो गया 500 प्लस ये हो गया 1000, इट मींस आ गया ये 1500। अब यहाँ यूनिट का ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये यूनिट है, ये है वॉट में और ये टाइम का यूनिट है आवर में। अब हमें पता है कॉमर्शियल यूनिट जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं वो होता है किलो वॉट आवर। अब वॉट आवर को किलो वॉट आवर में करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, तो 1500 / 1000 विल बिकम 1 किलो वॉट आवर, तो यहाँ आ जाएगा 1.5 किलो वॉट आवर। तो ये 1 डे का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट है वो हमें पता चल गया 1 किलो वॉट आवर। अब हमें 30 डेज का फाइंड करना है, तो फॉर मंथ लिख दीजिए, मंथ के लिए हो जाएगा 30 × 1.5, ये हो जाएगा 45 किलो वॉट आवर, यानी टोटल जो मंथली इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट हुई है यानी कि ये जो यूनिट आए हैं वो है 45 यूनिट। अब यहाँ पर डे का है हमारे पास 5 रुपीज़, तो हम लोग इंटू करके आराम से फाइंड कर सकते हैं, तो 45 × 5 करिए, 5 × 5 = 25, और ये हो जाएगा 225 रुपीज़, यानी कि टोटल जो 225 रुपीज़ है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा अगर एक फ़ैन हो और 5 लैम्प्स आप घर में नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से आपको कोई भी बेसिक न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो बात करते हैं जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या इट्स एप्लीकेशन और उसके यूज़ क्या हैं। तो देखिए अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, आपने भी मेरी तरह अपने हाथों को ऐसे रब करके कई बार अपने गालों पे लगाया होगा, तो आप कर क्या रहे हैं बेसिकली कि आपने अपने हाथों से फ्रिक्शन जनरेट किया, फ्रिक्शन को आपने यूज़ करके इसको गालों को हीट किया यानी अपनी बॉडी को हीट किया, तो ये भी एक तरह का हीटिंग इफेक्ट है, और इस हीटिंग इफेक्ट को आप यूज़ कर पाए, और ये जनरेट हुआ किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से।
तो देखिए ऐसे ही इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में भी होता है, इलेक्ट्रिक डिवाइस भी एक तरह का फ्रिक्शन जनरेट करते हैं करंट के लिए, यानी वो एक तरह का रेजिस्टेंस है। बट क्या हर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस का हीटिंग हम यूज़ कर पाते हैं अच्छे से? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए फैन भी हीट होता है, आपका मोबाइल भी हीट होता है, रेफ्रिजरेटर भी हीट होता है, बट उसको हम लोग हमारी डेली लाइफ में इतना यूज़ नहीं कर पाते। तो इसके एप्लीकेशंस कहाँ हैं, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर पाते हैं? तो देखिए इलेक्ट्रिक आयरन जो है, इलेक्ट्रिक आयरन एक इसका एग्जाम्पल है, वाटर हीटर इसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिक ओवन इसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिक टोस्टर इसका एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे हम हीट ज़्यादा जनरेट करवा के हमारी डेली लाइफ में उसको यूज़ करते हैं। तो देखिए ऐसे किसी भी डिवाइस के अंदर हमेशा एक एलॉय को यूज़ किया जाता है, निक्रोम, एक कंडक्टर है। अब देखिए इस कंडक्टर की खास बात क्या है, यहाँ सिल्वर, कॉपर और निक्रोम तीनों की रेजिस्टिविटी लिखी हुई है। रेजिस्टिविटी मैं आपको बता दूँ, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। अब देखिए यहाँ पर रेजिस्टिविटी सिल्वर की सबसे लो है, यानी सबसे हाई करंट होगा, लो रेजिस्टिविटी की वजह से इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी सबसे लो होगा। कॉपर में भी सेम यही है, बट निक्रोम के अंदर देखिए आप कंपेयर करिए काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टिविटी है, जिसकी वजह से जो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, तो आप फॉर्मूले से देख सकते हैं रेजिस्टिविटी इंक्रीज होने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसी तरह इस हाई रेजिस्टेंस को यूज़ कर कर हम हीट को ज़्यादा जनरेट कराते हैं। निक्रोम आपने अगर नहीं देखा हो तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक वाटर हीटर है, ये जो पोर्शन है इसको निक्रोम कहते हैं, और ये पीछे जो वायर है ये कॉपर वायर है। अब होगा क्या, यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ पर आएगा, और ये निक्रोम का हाई रेजिस्टेंस की वजह से हीट जो है काफ़ी जनरेट होगी और आप अपने वाटर को जो है हीट कर पाते हैं। तो इसी तरह से काफ़ी डिवाइस में हम लोग निक्रोम वायर को यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक बल्ब की, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो टंगस्टन का मेटल होता है उसको भी हम लोग इसी तरह से यूज़ करते हैं, वो भी हीटिंग इफेक्ट जनरेट करवा के काफ़ी देर तक हमें हीट प्रोड्यूस करके हमारे घर को रोशन करता है। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। देखिए फ्यूज़ में क्या होता है कि फ्यूज़ के अंदर यहाँ पर जो दो टर्मिनल है बीच में एक वायर लगा होगा। अब वायर जो है वो काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट वाला होगा, तो अब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट हाई लो होता है, जिसकी वजह से ये जो वायर है वो वायर खुद ही मेल्ट होके जो सर्किट को है वो ब्रेक कर देगा। अब ये वायर खुद मेल्ट कैसे हुआ, तो जूल हीटिंग इफेक्ट की वजह से इसका जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हाई होगा, हाई रेजिस्टेंस की वजह से हीट एनर्जी जनरेट होगी, हीट से ये मेल्ट हो जाएगा और फ्यूज़ जो है वो ब्रेक होकर सर्किट को ब्रेक करेगा, जिसके आपके अंदर से जो घर के डिवाइस हैं वो सेफ रहेंगे। तो आइए अब हीटिंग इफेक्ट के ये जो तीन यूज़ हैं वो आपको याद हो जाएंगे शायद। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक डिवाइस जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, सेकंड है बल्ब, और थर्ड है फ्यूज़। अब हम इसके फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। फॉर्मूला प्रूफ करने से पहले एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर लेते हैं कि जो हीट एनर्जी H है, ये H वही है जिसको हम W से डिनोट करते हैं। W से डिनोट करना यानी कि W यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी का वर्क, वर्क यानी एनर्जी, और जो एनर्जी है वो हीट भी एक तरह की एनर्जी है, यानी वर्क को हम हीट एनर्जी कह सकते हैं। तो कहीं पे भी मैं H लिखता हूँ यानी वो W है, जो इलेक्ट्रिक डिवाइस, जो भी हीटर थे, इलेक्ट्रिक आयरन थी, उससे जो भी हीट एनर्जी जनरेट हो रही थी उसको हम W कह सकते हैं। तो आइए अब एक फार्मूला प्रूफ करते हैं, आई स्क्वायर आर टी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर पावर इज इक्वल टू, हमने देखा वर्क अपॉन टाइम था, देन वर्क इज इक्वल टू हो सकता है पावर इंटू टाइम। अब यहाँ पर वर्क हीट एनर्जी है, तो हीट एनर्जी का लॉस हो रहा है या हीट एनर्जी जनरेट हो रही है, उसी को हम वर्क कह सकते हैं। W को हटाकर हम लोग H लिखेंगे, और यहाँ पर हम जानते हैं P इज इक्वल टू V एंड I होता है, हमने पहले ये प्रूव कर दिया है। अब V, I एंड T, P की जगह हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, H इज इक्वल टू वी आई टी। अब हमें एक और बात पता है, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, तो V को सब्सटीट्यूट करके आई आर लिख देते हैं, देन आई एंड टी, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, यानी ये जो हमारा फॉर्मूला हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। अब इसी के बेस पे न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ 2 ओम्स इन 30 मिनट्स। तो देखिए जो भी हीट एनर्जी या वर्क है उसको हमेशा हमें कॉमर्शियल यूनिट में देखना है। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है एनर्जी ट्रांसफर बाय 5 एम्पियर, यानी करंट दे रखा है 5 एम्पियर, एंड रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 2 ओम, और टाइम है 30 मिनट्स। तो पावर का जो यूनिट है, सॉरी एनर्जी का जो यूनिट है कॉमर्शियल यूनिट, वो है किलोवाट आवर। हमें हमेशा एनर्जी कॉमर्शियल यूनिट में फाइंड करनी है। तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं यही, H इज इक्वल टू
आई स्क्वायर आर टी, बट यहाँ पर आई स्क्वायर आर टी जो है ये एम्पियर में है और ये ओम में है, तो हम लोग पहले पावर जो है वो किलो वाट में फाइंड कर लेते हैं। तो एच जो है वो बन जाएगा, आई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं पी, क्योंकि यही पावर है, इंटू टाइम। तो पहले पावर फाइंड कर लिया जाए, तो पावर हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो आई देखिए यहाँ पर 5 एम्पियर, 5 का स्क्वायर, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 ओम, तो ये हो गया 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50। 50 ये आएगा वाट SI यूनिट में। अब इसको हम चेंज करेंगे किलो वाट में, तो 1000 से डिवाइड करना है, तो ये हो सक जाएगा 0.05 किलो वाट। अब नेक्स्ट देखिए, आपको बस इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। ये हो गया 0.05 एंड किलो वाट आवर, यानी इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आवर में हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2 आवर। तो 0.05 इंटू 1/2, तो ये 0. हो जाएगा 025 किलो वाट आवर या यूनिट। यही आपका फॉर्मूला है और इसी तरह आपको प्रूफ करना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 5 जो टॉप न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के वो देखेंगे। आई होप आप सबको समझ में आ गया हो। थैंक यू एंड गुड बाय।